हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के जो एग्ज़ाम फॉर्म चालू है उससे रिलेटेड कुछ सवाल और जवाब, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाके एग्ज़ाम फॉर्म वाले कॉलम पर क्लिक करना है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, हम लोग वेबसाइट पर जाके फिर एग्ज़ाम फॉर्म में ओपन करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि न्यू स्ट्रीम में कौन जाएंगे, ओल्ड स्ट्रीम में कौन जाएंगे, हमें डॉक्यूमेंट कौन से डालने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें। इसके अलावा इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा कि भाई फॉर्म के न्यू स्ट्रीम और ओल्ड स्ट्रीम, मतलब जो LLB फर्स्ट ईयर है उसका न्यू और ओल्ड आएगा, LLM फर्स्ट ईयर का न्यू और ओल्ड आएगा। तो न्यू के अंदर तो वो आएंगे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, और ओल्ड में वो आएंगे जिन्होंने पहले भी LLB के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। जैसे आपकी LLB सेकेंड ईयर फाइनल आपने क्लियर कर ली है पर आपके फर्स्ट ईयर के अभी भी पेपर ड्यू है, और फर्स्ट ईयर के मतलब आपको एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं दिखा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम वापस देने हैं, तो आपको ओल्ड में जाके आपको फॉर्म भरना है। अब इसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रह गए हैं तो उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना, उनको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अनवैलिड दिखा देंगे, मतलब जो न्यू वाले हैं उन्हीं का न्यू में ओपन होगा, जो ओल्ड में है उन स्टूडेंट्स का ही ओल्ड में ओपन होगा। ये आपका पहला डाउट क्लियर होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने पर वो अपलोड नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सभी उसी प्रकार से अपलोड होंगे, और आपके सिग्नेचर स्कैन होके अपलोड होंगे। 10th और 12th की मार्कशीट और जो आपका मतलब लास्ट ईयर ग्रेजुएशन है तो ये सब LLB फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का लगने वाला है, सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर ये नहीं लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना रहेगा। आपके पास अभी न्यू नहीं बना हुआ है तो आप अपना ओल्ड अपलोड कर दीजिए, न्यू आपका ऑफलाइन जो है वो न्यू ही मतलब अपलोड होगा, एक्सेप्टेड होगा, ओल्ड एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपका हैंडीकैप है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, वो आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, जो मैं आपको न्यू और ओल्ड स्ट्रीम से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें हो रही है वो यहीं पे हो रही है। तो ये दोनों आपको मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि जो LLB के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में देने फर्स्ट बार देने वाले हैं वो न्यू में जाएंगे, और जो सेकेंड बार देने वाले हैं वो ओल्ड में जाएंगे। सेम LLM में होने वाला है कि LLM के पेपर जो फर्स्ट बार देंगे उनका पहले में होगा, और जो सेकेंड बार दे रहे हैं उनका सेकेंड बार में होगा। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म वापस ओपन होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद, आपका फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अब है कि सिलेबस, कि दो सिलेबस है, कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो पहली बार LLB फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए न्यू सिलेबस है, और जो अभी फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनके लिए जो ओल्ड सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। मतलब ये 3 ईयर कोर्स है तो 3 ईयर का ही सिलेबस होता है। ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर का चेंज आपने ओल्ड में दे लिया और अब सेकेंड ईयर आपका न्यू में होगा, नहीं, आपका सारा ओल्ड के अंदर ही चलने वाला है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि भाई हम लोगों ने फॉर्म तो भर दिया बट अब फॉर्म डाउनलोड कैसे करें, PDF फॉर्म कैसे डाउनलोड करें उसकी। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कोर्स चुन के आप सबमिट करेंगे वापस यहीं पे इसी पोर्टल पे आके, तो आपको फिर डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, वहाँ जाके आप उस फॉर्म को अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे और कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है कि फॉर्म भर दिया है बट उनकी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई है, तो अब आप फोटो अपलोड नहीं कर सकते अब फॉर्म सबमिट होने के बाद। अब आप हार्ड कॉपी के ऊपर ही अपनी फ़ोटो चिपका के दे सकते हैं कि भाई ये एरर हुआ है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो ALU की हेल्पलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर जाके वहाँ पर आप मेल डाल सकते हैं,
और वहाँ पे आप बोल सकते हैं। अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके कॉलेज से ही मिलेंगे। आप कॉलेज के अंदर कॉल करें, मेल डालें, या फिर यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज का मेल डालें कि हमें अभी तक नंबर प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं। इसके साथ ही यदि आप कॉलेज जाके बात करेंगे तो आपको आपके नंबर आराम से मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज को भी देने ही होंगे, प्रोवाइड करवाने ही होंगे। और अब इसके बाद ये एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो अपने को बढ़ने का नहीं बढ़ने का वेट ही क्यों करना है। अपने को फॉर्म हमारी 3 तारीख से पहले भरना है, वो किसी कारण से यदि 3 तारीख तक नहीं भरा जाता है और डेट नहीं बढ़ती है, तो आपको लेट फीस के साथ में 500 रुपये के साथ आपको फॉर्म भरना रहेगा। तो हमें मतलब डेट जानने का या डेट बढ़ने का वेट नहीं करना है, फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट करना है। अब ABC ID है वो बनाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप हम लोग का पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने स्टेप टू स्टेप बताया कि ABC ID किस प्रकार आपको जनरेट करनी है आपकी। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग इसमें मतलब फॉर्म में एडिट कब कर सकते हैं। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, सेव नहीं किया है उसको, तब तक आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं यदि आपने गलत फिल कर दी है। तो पेमेंट करने से पहले वापस एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करें, फिर उसके बाद ही पेमेंट के ऑप्शन पे जाइए। आपको आपके कॉलेज में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा करवाने हैं, तो जो आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी लगेगी आपकी 2, उसके साथ ही आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा, उसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके लास्ट ईयर आपने जो भी, जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी है, फाइनल ईयर में तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगानी है। इसी के साथ यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की और 10th और 12th की मार्कशीट लगने वाली है हार्ड कॉपी में। जाति प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी साथ में देना रहेगा। सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब सब में आपके कॉपियों में नीचे साइन किए हुए होने चाहिए। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।